हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग वीबी डॉट नेट का प्रैक्टिकल नंबर 23, दैट इज इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू हैंडल रन टाइम एरर्स यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन क्या होता है? इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, एंड एक्सेप्शन इज अ एरर दैट अराइजेज व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग, सच एज अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई ज़ीरो। ओके, मतलब एक्सेप्शन क्या होता है? एक एरर होता है, एक एरर कंडीशन होती है जब आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने को करते हैं। ओके, अगर उस वक्त समझो आपने एक एरे लिया है, ओके, और एरे की आपकी साइज कितनी है? 20, और आपने गलती से 20 एलिमेंट की जगह 25 एलिमेंट एंटर कर दिए। ओके, वहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आ जाता है, दैट इज एरे आउट ऑफ बाउंड। मतलब आपने, आपके एरे की साइज़ कितनी है? 20, यानी कि आप कितनी कितने कैरेक्टर्स एंटर कर सकते थे? 20 कैरेक्टर्स एंटर, 20 वैल्यू एंटर कर सकते थे, लेकिन आपने गलती से मोर देन 20 एलिमेंट्स क्या कर दिए? यहाँ पे एंटर कर दिए। तो इस तरह से क्या होता है, जो एरर आता है, ओके, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन तो कभी कभी क्या होता है, समझो अगर आप एक ने एक प्रोग्राम किया है जहाँ पे हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, प्रोग्राम तो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन गलती से आपने ज़ीरो एंटर कर दिया। ओके, तो उस टाइम आपको, हमें सबको पता है कि हमारा एक बेसिक रूल है कि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक एरर प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल एरर प्रॉम्प्ट करेंगे तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगा। ओके, अगर आप वहाँ पे आपको पता पता होगा कि गलती से अगर ज़ीरो आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते थे? एक एक्सेप्शन थ्रो करके रखते हैं, यानी कि अगर भी यूज़र ने गलती से ज़ीरो एंटर कर दिया, तो यूज़र को वहाँ पे आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुकना नहीं चाहिए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट रहना चाहिए, और यूज़र को ये पता भी चलना चाहिए कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, इसलिए आपको करेक्ट आउटपुट नहीं मिला। ओके, तो यह है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, एक्सेप्शन प्रोवाइड अ वे टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू अनादर। ओके, वीबी डॉट नेट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बिल्ट अपॉन फोर कीवर्ड्स, दैट इज ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रो। ओके, ट्राई का मतलब जो भी कंडीशन, जिस कंडीशन पे आपको पता है कि यहाँ पे एरर आ सकता है, तो उस कंडीशन को हम अपने ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। यानी कि ट्राई का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी एरर आ रहा है, उस कंडीशन को आप ट्राई में, यहाँ पे ट्राई स्टेटमेंट्स में रख सकते हैं। उसके बाद कैच, कैच का मतलब क्या होता है कि अगर वो अगर एरर आ रहा है तो कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, ये हमें हमारा कैच ब्लॉक बताता है। ओके, थ्रो का मतलब क्या है? अगर आपको आपको पता है कि ये एरर ये एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप वहाँ पे थ्रो कर सकते हैं एक्सेप्शन, ओके, विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। और फाइनली का मतलब क्या होता है? अगर एक्सेप्शन आया भी और नहीं आया भी, तो भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो वो होगा आपका फाइनली स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन, तो यहाँ पे हमने वो दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल लिया और यहाँ पे एक सब प्रोसीजर ली है, सब डिवीजन। ओके, नम वन एज इंटीजर, नम टू एज इंटीजर। डिवीजन को हमने दो पैरामीटर्स दिए, नम वन और नम वन नम टू करके। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसका टाइप भी क्या है? इंटीजर है। ट्राई ब्लॉक में मैंने कंडीशन लिखे, रिजल्ट इज इक्वल टू नम बाय नम टू। जैसे कि गलती से अगर नम टू की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, अगर आप टाइप करते हो, अगर ये ज़ीरो हो गई तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगा, डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन कॉल। और फाइनली ब्लॉक में आपको क्या करना है, जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। एक्सेप्शन आया भी तो ये एक वर्क करेगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो भी ये स्टेटमेंट वर्क होगा। अब देखिए यहाँ पे सब मेन में मैंने क्या किया है, डिवीजन दिया है। ओके, तो डिवीजन को मैंने वैल्यू पास किया 20, 25, 0, और देखिए यहाँ पे कंसोल डॉट रीड किया है। ओके, 25 क्या है मेरी नम वन की वैल्यू और 0 क्या है मेरी नम टू की वैल्यू। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए हम मॉड्यूल, अगर आपको इस तरह से फॉर्म मॉड्यूल नहीं दिखे, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में जाना है और आपको कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, और फिर से आप यहाँ पे आकर स्टार्टअप फॉर्म में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल दिख जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन कॉट, रिजल्ट इज जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हमने जीरो से डिवाइड कर दिया है तो उसका वैल्यू कितने आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जीरो दिया था तो यहाँ पे रिजल्ट जीरो आ गया। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या आ गया, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन कॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो की जगह दूसरी वैल्यू देकर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और फिर से स्टार्ट करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा, डायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है। ओके, अगर जीरो से डिवाइड होगा तभी एक्सेप्शन आएगा, अगर जीरो से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको आपका आउटपुट वहाँ पे मिल जाएगा। दोनों ही केस में आपको कोई भी एरर, आपका एग्जीक्यूशन रुक नहीं रहा, आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, लेकिन जब एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन आया है करके आपका आउटपुट दिखता है, और अगर आपका एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुआ है तो आपको डायरेक्टली उसका फाइनल रिजल्ट दिखता है। ओके, इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने दो कोड दिए जिनका आपको आउटपुट चेकआउट करना है, क्या उसका आउटपुट क्या आता है। तो इसको मैंने प्रीवियसली करके रखा है यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या किया, जैसा था वैसे उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करके देखना है। ओके, हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए मेगा एरर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोग्राम में, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं किया, डायरेक्टली आपको यहाँ पे मेगा एरर का मैसेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रो किया है एक्सेप्शन मेगा एरर, तो यहाँ पे यही जनरेट होगा, यहाँ पे इसके अलावा कुछ जनरेट नहीं होने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने दिया है आपको एक नया नया कोड दिया है, और इसको भी मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। देखिए यहाँ पे तो जैसा है वैसा उसी तरह प्रिंट किया है, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय ज़ीरो की क्या हो रही है, वैल्यू आ रही है। ओके, तो अगर डिवाइड बाय ज़ीरो से कोई एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेप्शन मैसेज आ रहा है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या आता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो। ओके, ये जो आपका एक्सेप्शन है वो आ रहा है यहाँ पे। ओके, वो क्यों आ रहा है देखेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ और फिर से वापस हमारे मॉड्यूल 3 में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने क्या किया है, जीरो अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पे जीरो आपने क्या किया है, डबल स्ट्रिंग में दिया है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप जीरो जो पास किया है, ओके, वो कैसे दिया है, स्ट्रिंग में दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो अगर आपने जीरो दिया होता, ये स्ट्रिंग है, कैसे हम यहाँ पे देखिए डबल कोट्स दिए तो ये स्ट्रिंग हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट करेंगे इसको तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्टेड इन एन ओवरफ्लो। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी नहीं लिखा है। ओके, तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको ex डॉट मैसेज दिख रहा है। ये ex डॉट मैसेज का मतलब क्या होता है, जो भी एरर आपके प्रोग्राम में आ रहा है, जो भी एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में जनरेट हो रहा है, वो वैसे का वैसा एक्सेप्शन वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या कर देगा, प्रिंट कर दे। तो आपको अगर उनको कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, क्या है ये मैसेज, आपको पता नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, कैच में एक्सेप्शन क्लास यूज़ कर लीजिए, कैच ex एज एक्सेप्शन। ex क्या है, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, और ex डॉट एक्सेप्शन क्लास में से मैसेज क्या कर दीजिए, यूज़ कर लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं गेट्स अ मैसेज दैट डिस्क्राइब द करंट एक्सेप्शन, यानी कि आपके प्रोग्राम में जो करंट एक्सेप्शन मौजूद है उसका डिस्क्रिप्शन आपके कंसोल आपके कंसोल स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग।
तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम किया है। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट डॉट वी बी में आपको ओपन कर, सॉरी यहाँ पे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मैंने एक फॉर्म बनाया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, और रजिस्ट्रेशन का बटन है। तो ओके, तो इसको मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, यहाँ पे हम फॉर्म 1 सिलेक्ट कर लेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो आपको पीछे जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्यों क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन टाइप कंसोल है और उसमें हमने ये फॉर्म को कॉल किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देती हूँ, ABC। ओके, लास्ट नेम क्या है, XYZ, आप जो चाहिए वो वैल्यू एंटर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख दूंगी। ओके, सबसे पहले एक्सेप्शन किसके लिए रखा है मैं दिखाती हूँ, और ये मेरा डी abc@gmail। ओके, यहाँ पे मैंने कोई भी वैलिडेशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। सिर्फ मैंने फ़ोन नंबर के लिए एक्सेप्शन जनरेट किया। तो जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक एरर आ रहा है, देयर वॉज एन एरर, सिस्टम इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू टाइप इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। यानी कि मैंने यहाँ पे प्रीवियसली मेंशन करके रखा है, दैट इज़ कि हमें क्या करना है यहाँ पे, ओनली फ़ोन नंबर के लिए हमें सिर्फ नंबर्स एंटर करने हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे बाय चांस अगर आपने यहाँ पे गलती से अगर कोई स्ट्रिंग एंटर कर दी, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, और जो भी स्ट्रिंग उसके बाद एंटर ओनली नंबर्स करके आपको क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन क्यों आया है वो देखिए, देखने दिखाने के लिए यहाँ पे एंटर ओनली नंबर्स करके रखा है। अगर हम यहाँ पे नंबर रखते थे 1 2 3 4 और रजिस्टर करना चाहेंगे, तो भी देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, लेंथ मस्ट बी 10, यानी कि आपके मोबाइल नंबर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5 6 7 5 6 7 8 9 0। तो देखिए अब हम रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल का मैसेज, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन गलती से वही मैसेज प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कंसोल एप्लीकेशन टाइप है उसको हम विंडोज़ फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद हमारे फॉर्म 1 BB में जाएंगे, जब ये तो फॉर्म 1 BB में जाएंगे, तो यहाँ पे तो मैंने प्रिंट किया है मैसेज बॉक्स सक्सेसफुल का, वो तो क्यों नहीं आ रहा है देख लेते हैं फिर से प्रॉपर, इसे एक बार करके देखेंगे। तो यहाँ पे ABCD, फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई भी रैंडम नंबर, देखिए कितने होंगे, 1 2 3 7 8 9। तो यहाँ पे लेंथ मस्ट बी 10 का ही वैल्यू आ रहा है, ओके 1 2 3। ओके, देखिए जब हमने 10 से ज़्यादा नंबर दिए, 11 नंबर दिए, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, देर वॉज एन एरर, अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्टेड इन एन ओवर फ्लो। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैसेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट। ओके, तो इस तरह से हम हमारा फॉर्म यहाँ पे क्लोज कर।
ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते, तो यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस आप देख सकते हैं। अगर आप 10 से ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे अगर मैंने ज़्यादा नंबर लिख दिए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा, ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर उसके बाद हम यहाँ पे ओके एंटर ओनली नंबर्स, क्यों एक्सेप्शन आया था वो भी आपको पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से क्या आ जाएगा, एंटर ओनली नंबर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और फॉर्म बनाया है, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का जो डिटेल्स वहाँ पे स्टोर किया है वो डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी हम एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कोडिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 डालकर शो डिटेल्स करूँगी तो यहाँ पे मुझे उसका नाम दिखेगा। यहाँ पे मैंने 2 डालूँगी तो यहाँ पे भी मुझे उसका नाम दिखेगा। 3 एंटर करेंगे तो भी उसका नाम दिखेगा स्टूडेंट का, अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट की नाम के क्या है स्टोर करके रखे। जब मैं 6 एंटर कर दूँगी तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, इंडेक्स वॉज आउट ऑफ रेंज, मस्ट बी नॉन निगेटिव एंड लेस देन साइज ऑफ कलेक्शन पैरामीटर नेम इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या कोडिंग की है तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे, यहाँ पे मैंने एक माई लिस्ट करके क्या किया है, एक न्यू लिस्ट लिया है। अगर आपको एक लिस्टिंग करनी है, अब मुझे इस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या स्टोर करना है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको ऑफ स्ट्रिंग लिखना होगा। ओके, उसके बाद लोड होते समय मैं क्या करूँगी, इस लिस्ट में मैं वैल्यू एंटर कर दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट में वैल्यू ऐड की है, माई लिस्ट डॉट ऐड ABC, माई लिस्ट डॉट ऐड XYZ, जो भी आपको ऐड करना है आपको ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 नंबर्स है, तो ये मेरी 0 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू और 5 की वैल्यू। ओके, तो लोड होते जब भी आपका फॉर्म लोड हो जाएगा आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखा मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 को क्या रखा है, एक्सेप्शन रखा है। ओके, अगर समझो लिस्ट में और उसको हमने क्या किया है, माई लिस्ट डॉट सी इन टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट वन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स 2 जो आपका टेक्स्ट बॉक्स 2 है, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स 1 से रिलेटेड जो भी लिस्ट के वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। अगर समझो यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिस्ट के इंडेक्स से बाहर हो गई, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 को क्या करना है, क्लियर करना है और आपको एक एरर मैसेज देना है। EX मैसेज का मतलब क्या है कि जो भी करंट एक्सेप्शन का मैसेज होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए मेरी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 भी एंटर कर देती हूँ तो मुझे ABC दिखेगा, जब मैं 1 एंटर करूँगी तो मुझे XYZ दिखेगा। ओके, देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे जब मैं 2 एंटर कर दूँगी तो मुझे DF दिखेगा, यानी कि तीसरी लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे मैं 3 एंटर कर रही हूँ तो मुझे PQR दिखेगा। ओके, यहाँ पे मैं 4 एंटर कर रही हूँ तो मुझे BBF दिखेगा, 5 के लिए ARR दिखेगा, और जब मैं 6 यहाँ पे एंटर करूँगी और जब मैं शो डिटेल्स पे क्लिक कर दूँगी तो ये क्लियर हो जाएगा और जो एक्सेप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे वैल्यूज़ तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं शो डिटेल्स पे क्लिक कर देती हूँ, तो देखिए इंडेक्स वॉज आउट ऑफ रेंज, मस्ट बी नॉन निगेटिव, लेस देन द साइज ऑफ कलेक्शन पैरामीटर नेम इंडेक्स। तो इस तरह से भी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। यहाँ पे आपका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।